एकदम सामने या मैम यहाँ पे यहाँ पे साक्षी जी यहाँ पर दिस साइड साक्षी ये दिस कौन है साक्षी जी एक अलग नए किरदार में वापस आप दर्शकों के सामने आ रही हो क्या कहना चाहेंगे कितना एक्साइटिंग था शॉट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग था जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे लगा कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए ऐसी कहानियाँ लोगों तक पहुँचानी चाहिए और छोटा ही सही लेकिन उसका हिस्सा बनने का मौका मिल रहा था सो आई ग्रैब्ड इट एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी और बहुत रेलेवेंट है आज के हिसाब से आज के समय के हिसाब से और बहुत सुंदर कैरेक्टर है मेरा जैनब का जो जो स्टोरी है वो तो फादर सन रिलेशनशिप पे है लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर जो दोनों के बीच का ब्रिज है तो आप लोग देखिए फिर बताइए आपको कैसे लगा किस तरीके का रोल एक देखा है जैनब है लेकिन क्या किरदार है कुछ थोड़ा सा बताइए तो अतुल जी की वाइफ का कैरेक्टर है और बहुत ही डिस्टर्ब रिलेशनशिप है पिता और बेटे की और ये कोशिश करती है कि किस तरह उन दोनों को एक साथ रखे जोड़ के रखे और उसके उस सब के दौरान अपनी खुद की आइडेंटिटी को भी मेंटेन करके रखना बरकरार रखना कभी पति से लड़ना कभी बेटे से लड़ना कभी समाज से लड़ना कभी खुद से लड़ना बहुत सारे लेयरिंग हैं और उस सब के बीच में अपने आप को जैसे कहते हैं ना अपनी स्पिरिट को अलाइव रखना दैट्स द कैरेक्टर नहीं नहीं बहुत मज़ा आया ऐसा कुछ था नहीं दिमाग में इट वॉज मोर लाइक फैमिली पिकनिक क्योंकि बहुत स्वीट यूनिट है राहुल इज़ सच ए स्वीट डायरेक्टर फ्रेश है उसमें जिस तरह की टेकिंग है वो एकदम अलग है डीओपी जो है वो एकदम नए हैं अतुल जी ऑफ कोर्स इट वाज एन ऑनर टू शेयर स्क्रीन विद हिम तो जब मैं उनके साथ सीन करती थी तो मैं एज अ व्यूअर डेवलप करती थी मतलब मैं सीन करते करते भी नोटिस करती थी कि वो क्या कर रहे हैं एंड वाओ इट वाज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड ऑल इन ऑल इट हैज़ बीन अ ग्रेट ग्रेट एक्सपीरियंस दंगल का लोग जब से बाहर आया है तब से लोग आपको देखने के लिए भी काफ़ी थोड़ा और रुक जाओ यार अभी दो दिन में देखने को मिल ही जाएगा लुक थैंक यू वहाँ ले जाओ का चली वहाँ पर फोटोग्राफर का राइट साइड राइट साइड अतुल सर राइट साइड सुधीर सर राइट साइड सुधीर सर सुधीर सर राइट साइड सो आया Bolivia.
रोल इधर तो इधर